का 8:30 बजने आए हैं। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मॉर्निंग में सभी सब्सक्राइबर मित्रों को गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। तो मेरा व्लॉग मैं यहाँ शुरू करता हूँ, तो पहले मम्मी के पास जाएंगे, बाद में जय स्वामीनारायण के पास जाएंगे। तो चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी का नमस्कार करते हुए ये दिन की शुरुआत करता हूँ, और अभी जा रहा हूँ मैं श्री स्वामीनारायण भगवान के पास। हमेशा सुबह में दर्शन कराते, अच्छा दिन होता है हमारा। श्री स्वामीनारायण भगवान का दर्शन करते ही हमेशा हमारा अच्छा ही होता है दिन। तो काफ़ी बढ़िया मूर्ति है, और भगवान हमेशा बढ़िया ही होते हैं, और आशीर्वाद लेके नमस्कार करते मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण की मूर्ति के पास। जय श्री कृष्ण। कृष्ण की मूर्ति को भी नमस्कार करते हुए मैं जा रहा हूँ रेखा के पास। हाय रेखा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अभी जला हुआ भाखरी, चा मक्खनिया और केरी का अचार, केरी का कचुंबर बनाया है। मैं खाटी खाटी केरी जो है ना, तो तुम्हारा मुंह में पानी तो आ ही गया है। और रेखा को केरी, कच्ची केरी बहुत जमती है। रेखा को काची केरी बहुत भावे छे। क्यों दोस्तों, अभी पल गया है स्कूल पे 7:45, और कल हम गए थे कणाक, तो वहाँ BAPS स्वामीनारायण संस्था का एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो पूज्य महंत स्वामी वहाँ उपस्थित है, अभी थोड़े दिन रहने वाले हैं, फिर जाने वाले हैं अफ्रीका। तो हमने सोचा कि कल काफ़ी दिन हुआ है वो निर्माण होते हैं मंदिर का, तो हम गए नहीं थे। तो कल संडे को ऐसा लगा कि हमें जाना चाहिए, तो हम दर्शन के लिए भी गए थे, और कीर्तन आराधना थी वहाँ, संगीत कीर्तन, और बढ़िया मज़ा आ गया। मेरे 133 व्लॉग के अंदर तुमने देखा होगा कि काफ़ी बढ़िया साउंड, लाइटिंग, और काफ़ी मेदनी उपस्थित थी वहाँ। तो वहाँ मैंने तुमको जो मंदिर जो जहाँ बनने वाला है, तो वो भी मैंने नज़ारा तुमको बताया। और मैं दोस्तों ये बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली अक्षरधाम हम गए थे, तो वहाँ एक भव्य, सबसे इंडिया का भव्य मंदिर दिल्ली BAPS संस्था का है, तो वही मंदिर सेम अपने सूरत के अंदर बनने वाला है कणोत। तो सभी दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है कि सूरत में कभी कहीं भी हो तो वहाँ जाने का, वहाँ भव्य से भव्य जबरदस्त मंदिर बनने वाला है, कि ऐसा मंदिर सूरत में कोई है नहीं। तो BAPS संस्था का काफ़ी मंदिर है, पर इतना भव्य मंदिर सूरत में नहीं है। ये पहला मंदिर बनने जा रहा है, और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तुम कभी एक बार तो वहाँ जाने का, जब मंदिर हो, मंदिर का निर्माण हो जाए तो सब लोग देखेंगे तो भी अपना दिल ऐसे खिल जाएगा कि अपने सूरत में ऐसा भव्य मंदिर, और BAPS स्वामीनारायण संस्था का जबरदस्त मंदिर है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, खाने के बाद मैं जाऊँगा शॉप पे, सीधा मिलेंगे वो रेखा और पल, जो भी अपना दैनिक कार्य करते हैं वो बताएंगे। तो अभी मैं खाना खा के जा रहा हूँ। चाय, अचार, जली हुई भाखरी, ऊपर मक्खन, ये रोटी, और ये रौकर का लाल चेटा के दर क्या है, जली हुई भाखरी नहीं है ऐसे। तो हमारो शोरूम छे, नवरात्रि नो सामान छे बद्दो ज। पलू भाई स्कूले थे આવી ગયા છે ને બાર કેમ બેઠા છે? હાય ગુડ ગને હાય मस्त
अभी मैं घर पर आ गया हूँ। बहुत गर्मी हो रहा, पंखा चालू। तो चलो मैं कपड़ा बदल लेता हूँ। तो अभी मैं कपड़ा बदला लेता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपको। हाय मम्मी। हाय। क्या कर रहे? गोल कटिंग करके हम डब्बे में भर रहे हैं। हम बाबा हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते? बाबा हिंदी। हमको आता नहीं है प्योर हिंदी, इसलिए हम बाबा हिंदी बोलते हैं। और चीनी चीनी कट के करके गोल भर दिया हमें डब्बे में। देखिए 12 महीना नो गोळो आ वखते भराणो નથી, આપણે લગ્ન માં પડી ગયા તો ગોળ રહી ગયો। હાય હાય ઓ દોરે હાથ હા દોરે। अभी पापा आएंगे 12:12। किसका शक करा? शक बता खोल ने जे पसंद से ने उच्चा करे ए है गल के का। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। ये है गल के का। अब इसमें मुकरे है मेरी मम्मी। ये गया डब्बा, गोल का डब्बा और है मीठा का डब्बा। हेलो हेलो पल भाई। हेलो 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 पल भाई को मैं बोला कि हेलो तो केलो हेलो। पल्लू भाई थोड़ी थोड़ी कॉमेडी कभी कभी करवा देते हैं। पल्लू भाई एक बार फिर से हेलो हेलो। तो आज पल भाई को इंग्लिश में उसका राइटिंग ऐसा आता है। तुम वेरी नाइस। अभी मैं जा रहा हूँ सोलार साफ करने के लिए। 15 दिन हो गए हैं मैं सोलार साफ नहीं किया हुआ, तो अभी जाता हूँ छत पे, तो सोलार कैसे कितना खराब है देखते हैं। सोलार कैसा है देखते हैं। काफ़ी गंदा हो चुका है, मिट्टी पक्षी की चरके और काफ़ी बिगड़ गया है, तो मैं आया हूँ उसे साफ करने के लिए। तो हम आए हैं वीरा के घर गोटा खाने के लिए। हाय क्या तो वीरा, हाय क्या तो ए गंडू वीरू वीरा क्या मोटू करवाना काम कर तो क्या बना रहा? मैं बना रही हूँ गोटा की गोली। गोटा भजिया लच्छी पालीताणा ने स्पेशल संदूका का ला। ये केनो प्रोग्राम छे? आजे प्रोग्राम छे मेथी ना गोटा, बटेका ना गोटा અને પ્યોર લસ્સી પાલીતાણાની ઘરે બનાવવાની છે, ચંદુ કાકાની સ્પેશિયલ લસ્સી। તો ગોટા ભજીયા અને લસ્સી। તો ચાલો મિત્રો તમે પણ જમવા, અમારા વીરા દીદીના ઘરે પ્રોગ્રામ છે। જો વીરા દીદી રહ્યા, વીરા દીદી વીરા શેનો પ્રોગ્રામ છે બેટા? આઈસ્ક્રીમ શેનો? આઈસ્ક્રીમ શેનો પ્રોગ્રામ? આઈસ્ક્રીમ કોને ખાવાનો? નાના
હેલો લચ્છી બની રહી છે હવે પાલીતાણા ની પ્યોર લચ્છી કેમેરા પકડી લીયા એક મે ખાને કે લિયે જા રહા હું तो अभी मैं घर पे आके ना धो के अभी बाहर जाऊँ। मैं जब शॉप पे था तो कॉल आया था रेखा का और जयंती भाई के घर जाने का है, वहाँ भजिया और लच्छी ऐसा कुछ प्रोग्राम है, तो मेरे को इन्वॉल्व किया है कि तुम आओ। तो रेखा और पल जल्दी गए हैं और वहाँ का नज़ारा तुमने देखा होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ना धो के रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ जयंती भाई के घर। वहाँ वीरा काफ़ी क्यूट बच्ची है और उसके साथ जो नखरे है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। तो जाते हैं जयंती भाई के घर, लें जी को प्रोग्राम आता है रोजे रोज हरे रोज मौजे मौज भाई। तो ये है भजिया, ये टमाटर की डिश और ये मेथी का भजिया गर्मा गर्म और ये बटाका वड़ा बटाका का भजिया और ये पालीताना की राजू भाई की लच्छी जो रेखा और पल की मामी ने दोनों ने बनाया है और मेरे को आमंत्रण दिया था कि भजिया खाने आना है शाम को। तो कोई बात नहीं है भाई, खूब मौज पड़ने वाली है, तो चलते हैं खाने के लिए। I'll
नहीं ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले सब तुमने नज़ारा देखा कि पल और रेखा ने पूरा दिन शूटिंग किया था और व्लॉग बनाया था, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा और कुछ नया देखने को मिला होगा। तो अभी गुड नाइट, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, ऐसे भाव से मिलेंगे कल के नए व्लॉग के साथ। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग के, तब तक सबको गुड बाय।